अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम वेब इंजीनियरिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। जो बुक है हमारे पास जिसे हम फॉलो करेंगे वो है वेब इंजीनियरिंग, और जो ऑथर है उसका वो है राजीव चोपड़ा। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिधर से आप इजिली इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो रेफरेंस बुक्स है आपके पास वो ये है। इन बुक्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जस्ट इसका ये कंप्लीट नेम आप कॉपी करें और गूगल सर्च इंजन में पेस्ट करें और इसके साथ पीडीएफ लिख दें, तो ये आपके पास पीडीएफ फॉर्म में क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ओवरव्यू ऑफ लेक्चर नंबर वन में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड एप्लीकेशन की कैटेगरी में आते हैं इसे हम डिस्कस करेंगे, एट्रीब्यूट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इसके ये तीन जो एट्रीब्यूट आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, नेटवर्क इंटेंसिव, कंटेंट ड्राइवन और कंटिन्यूअस एवोल्यूशन डेवलपिंग, तो इन तीनों को आज हम क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, पहला जो है वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अगर आप देखें, a web based application is a software package that can be accessed through the web browser. A web based application wo software packages hai, matlab wo software packages jise hum access karte hain web browser ke through, to wo kya kehlate hain, web based application kehlate hain. Baat clear ho gayi, yani wo application software jise aap web browser ke through access karte hain, Google Chrome ho gaya, Firefox ho gaya, Opera ho gaya, Safari ho gaya, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, जिसके थ्रू आप उसे एक्सेस करते हैं, तो वो वाले सॉफ्टवेयर पैकेजेस आपके पास क्या कहलाते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहलाते हैं। ठीक है जी, या वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहलाता है। तो कौन से हो गए आपके पास, आप कह रहे कि फेसबुक देखिए, आप ट्विटर देखिए, आप इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन है आपके पास, जितने भी है आप, तो अगर ये जो सॉफ्टवेयर है अगर हम इसे वेब ब्राउजर की तरह एक्सेस कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं जी, वेब बेस्ड एप्लीकेशन कहलाते हैं। ठीक है जी बेटा, या जिस तरह हमारा नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी का वेबसाइट हो गया, तो उसे भी तो हम ब्राउजर की तरह एक्सेस करते हैं, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो आपके पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है बेटा, द सॉफ्टवेयर एंड डेटा बेस रिसाइड ऑन अ सेंट्रल सर्वर रादर देन बींग इंस्टॉल ऑन अ डेस्कटॉप, यानी जो सॉफ्टवेयर और डेटा बेस है वो डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल नहीं होता, वो कहां पे पड़ा हुआ है, वो आपके पास सेंट्रल सर्वर के ऊपर पड़ा होता है। सेंट्रल सर्वर से मुराद हमारा होस्टिंग वाली कंपनीज है, जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है, जो आपको सर्वर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप स्पेस लेते हैं, जिससे आप बैंडविड्थ लेते हैं, और उसके ऊपर अपना सॉफ्टवेयर और उसका डेटाबेस आप लोड करते हैं। अगर होस्टिंग नहीं होगी तो फिर आप अपने वेबसाइट को WWW के ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो होस्टिंग कंपनीज है ये आपको होस्ट प्रोवाइड करती है, आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है, आपको सर्वर पे स्पेस प्रोवाइड करती है। जब आप उनके सर्वर के ऊपर अपना एप्लीकेशन और डेटाबेस डालते हैं तो तभी हम उसे WWW के ऊपर एक्सेस, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। और जो आपका सॉफ्टवेयर डेटाबेस जो कि सेंट्रल सर्वर पर पड़ा होता है या होस्टिंग सर्वर के ऊपर पड़ा होता है, तो उसे हम एक्सेस करते हैं किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। ठीक है बेटा, तो ये डेस्कटॉप के ऊपर नहीं होता, ये आपके पास किसी सेंट्रल सर्वर के ऊपर पड़ा होता है। यहां पे एक बात और आपको क्लियर करता जाऊं, बाज़ूकात हम अपने भी सर्वर बनाते हैं जो लोकल होते हैं हमारे, उसे हम बना लेते हैं, फिर उसके लिए हम पब्लिक IPPTS से खरीद लेते हैं या किसी भी ISP से हम खरीद सकते हैं, ये बात भी आपको क्लियर करता जाऊं। ठीक है बेटा, तो या तो आप होस्टिंग से भी सर्वर से भी स्पेस ले सकते हैं, और इवन आप अपना सर्वर भी बना सकते हैं जिसके ऊपर आप क्या करें, अपना सॉफ्टवेयर उसका डेटाबेस स्टोर करें, और फिर उसके लिए हम पब्लिक IP ले लेते हैं जिसके थ्रू हम उसे इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एट्रीब्यूट्स ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, देर आर थ्री एट्रीब्यूट्स ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, नेटवर्क इंटेंसिव, कंटेंट ड्राइवन, कंटिन्यूस एवोल्यूशन मतलब डेवलपिंग। सब तीनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन डिटेल से। नेटवर्क इंटेंसिव मतलब नेटवर्क डिमांड। वेब एप्लीकेशन इज नेटवर्क इंटेंसिव, वेब एप्लीकेशन नेटवर्क की डिमांड है, इट रिसाइड ऑन अ नेटवर्क, पड़ा होता है नेटवर्क के ऊपर, एंड मस्ट सर्व द नीड ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ क्लाइंट, और सर्व करता है नीड, जरूरत पूरी करता है डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ क्लाइंट, डाइवर्स मीन
वेरिएशन, वेरिंग कम्युनिटी, जिस जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं, इनकी नीड्स को पूरी करता है। यहां पे देखिए तो कुछ लोग शॉपिंग करते हैं, कुछ लोग फेसबुक यूज करते हैं, कुछ लोग बुक्स डाउनलोड करते हैं, कुछ लोग मूवीज डाउनलोड करते हैं, कुछ लोग कार्टून्स डाउनलोड करते हैं, कुछ लोग और सर्च करते हैं। तो ये तो डाइवर्स कम्युनिटी हो गई ना बेटा, कि क्लाइंट जो है वो मुख्तलिफ है, हर किसी की नीड अलहदा है, हर किसी की डिमांड अलहदा है, और यही वेब एप्लीकेशन इन लोगों की इन डिमांड्स को क्या करता है जी, पूरी करता है। जिस तरह आप लिखते हैं ना, आप बुक डाउनलोड कर रहे हैं तो आप बाजू का तो आपको वेबसाइट पता नहीं होता, बस जैसा आप बुक का नाम लिख लेते हैं और पीडीएफ लिख लेते हैं उसके साथ, या बुक का नाम लेते हैं तो आज अमेजोन के ऊपर आ जाता है, दराज के ऊपर आ जाता है, अलीबाबा के ऊपर आ जाता है। ये तमाम चीजें आपको सर्च इंजन फाइंड करके दे देती है, जो आपने सर्च इंजन में टाइप किया होता है उसके रिलेटिव जितनी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर वो डेटा पड़ा होता है वो आपको वो क्या कर लेता है, शो कर लेता है। तो ये डाइवर्स कम्युनिटी की नीड को पूरी करता है। अब वेब एप्लीकेशन में रिसाइड ऑन इंटरनेट, वेब एप्लीकेशन को आप रख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर भी, इंटरनेट के ऊपर भी और एक्स्ट्रानेट के ऊपर भी। इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट को आपने नेटवर्किंग कोर्स में पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं आपको इसको ओवरव्यू देता जाऊं। इंटरनेट मीन जो आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है लोकल एरिया के ऊपर, एक्स्ट्रानेट आपको सिंपल बता दे दो यही इंटरनेट ही होता है जो कि आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है, मगर इससे हम रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को देख ले, वर्चुअल कॉन्सेप्ट जो एक टाइम पे चल रहा था, तो उनका सर्वर तो अपना लोकल था मगर उसे एक्सेस दी गई थी रिमोटली भी, लोग उसके जो जो स्टूडेंट्स थे उसे रिमोटली भी एक्सेस कर सकते थे, अपने असाइनमेंट्स, अपने प्रेजेंटेशन, अपने जो एग्जाम्स थे वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें रिमोटली एक्सेस दी जाए तो वो एक्स्ट्रानेट आपके पास बच जाता है। वेब एप जो है, वेब एप्लीकेशन में रिसाइड ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे भी आप इसे रख सकते हैं, देयर बाय एनेबलिंग ओपन वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ठीक है जी। और अदरवाइज अल्टरनेटिवली आप इस एप्लीकेशन को इंटरनेट के ऊपर भी रख सकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, आप जिस तरह हम अपना कोई डेटाबेस बना ले या कोई वेब एप्लीकेशन बनाए जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में हम एक दूसरे के फाइल शेयरिंग कर सके और कंटेंट शेयर कर सके, तो रख सकते हैं। और साथ में हम एक्स्ट्रानेट के ऊपर भी अपना वेब एप्लीकेशन रख सकते हैं, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सके और साथ में वो एम्प्लॉय जो हमारे आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं वो भी इन्हें क्या कर सके, यूज कर सके। तो नेटवर्क इंटेंसिव आपको समझ में आ चुका होगा। कंटेंट ड्राइवन, द प्राइमरी फंक्शन कंटेंट ड्राइवन तो सिंपल है, जो कंटेंट्स आपके पास होते हैं आपके वेबसाइट के ऊपर, वो टेक्स्ट हुआ, ग्राफ हुआ, ऑडियो हुआ, ठीक है जी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब एप्लीकेशन इज टू यूज हाइपर मीडिया, ठीक है जी, जिसमें आप क्या करते हैं, वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट को शो करते हैं, ग्राफ्स को शो करते हैं, ऑडियो को शो करते हैं एंड वीडियो कंटेंट्स को शो करते हैं टू द एंड यूजर को प्रेजेंट करवाते हैं एंड यूजर को। अगर आप एक वेबसाइट को ओपन करें तो उस पर टेक्स्ट भी होता है, उस पर ग्राफिक्स भी होते हैं, उस पर ऑडियो भी होता है, उसकी वीडियो भी होता है, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी होती है, सब कुछ होता है उसके ऊपर, ठीक है बेटा। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट या एवोल्यूशन, अनलाइक कंटिन्यूअस एप्लीकेशन, यहां अगर मैं आपको सिंपली बता दूं कि बेटा जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, आप उसे होस्टिंग लेते हैं उसके लिए, वो WWW पे आ जाता है, उसे आप एक्सेस करते हैं, तो भाई आप उस वेब एप्लीकेशन को कंटिन्यूअसली डेवलप करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली उसके कंटेंट चेंज करते रहते हैं। अगर न्यूज की वेबसाइट है तो रोजाना उसमें न्यूज आप चेंज करते हैं, अगर ऑनलाइन शॉप है तो उसमें रोजाना आप न्यू प्रोडक्ट एड करते जाते हैं, तो उसमें आप कंटिन्यूअसली अपडेट करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, आर्ली बेसिस के ऊपर, वीकेंड वीकली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। दैट इन्वॉल्व ओवर द सीरीज ऑफ प्लेन रिलीज, मोस्ट वेब एप्लीकेशन डेवलप कंटिन्यूअसली, डेवलप किया जाता है कंटिन्यूअसली, दीज एप्लीकेशन अपडेट ऑन रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के ऊपर भी अपडेट किया जाता है, इवन सम एप्लीकेशन आर अपडेट ऑन हॉली स्केड्यूल, हॉली स्केड्यूल के ऊपर भी अपडेट किया जाता है टू प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर। ये वो तीन एट्रीब्यूट थे जो कि हमने इसमें डिस्कस किए। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम और टॉपिक को डिस्कस करेंगे वेब इंजीनियरिंग के रिलेटेड। थैंक यू बेटा।